एक आपने 5 से निकाल लिया, एक आपने 20 से निकाल लिया, 15। अब इसका कुल सदस्य कितना है? 15। 20 और 5 25। ये है हमारा कैमरा मैन। आज हम बताने वाले हैं आपको एक और लेबोरेटरी अवयव जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध बक्सा। जैसा कि आपको इसके ऊपर नाम दिखाई दे रहा है, यह लिखा है प्रतिरोध रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस बॉक्स। ये प्रतिरोध बक्सा है। इस प्रतिरोध बक्से में क्या चीज होती है? थोड़ा सा आप इसको बेटा कैमरा के पास लियो। ये जो अवयव दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग प्रतिरोध का मान लिखा हुआ, 1, 2, 2, 5, 10, 20। ठीक है, ये सारे प्रतिरोध लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आप जितने ये ऊपर बहुत सारी क्या लगी हुई है, कुंजियां लगी हुई है, नॉब्स लगी हुई, धातु धातु कुंडियां लगी हुई है। जितना इन नॉब्स को निकालो, जैसे आपने इस एक नॉब को निकाल लिया, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है बेटा? 1 ओम। ठीक है, अब इस प्रतिरोध बक्से का प्रतिरोध कितना हो गया? 1 ओम। आप इसको वापस डाल देते हो, ठीक है, यहाँ से 5 से निकाल लिया, अब इसका प्रतिरोध कितना हो गया? 5। तो जितनी आप ये धातु गुंडियां इनमें से बाहर निकालोगे, वो सब प्रतिरोध योग हो जाएगा। जैसे ये एक आपने 5 से निकाल लिया, एक आपने 20 से निकाल लिया, 15। अब इसका कुल प्रतिरोध कितना है? 15। 20 और 5 25। ये है हमारा कैमरा मैन। जैसा 20 और 5 कितना होता है? 15। जैसा कि हमारा प्रदीप पूजन ने बताया, तो नहीं ड्यूटी अच्छी है नहीं, कैमरा मैन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आदमी, भगवान उसकी आत्मा को शांति। तो 20 और 5 कितने हो गए बेटा? 25। तो जितना निकालेंगे उसमें से उतना प्रतिरोध हो जाएगा। इसकी न्यूनतम सीमा 1 ओम है और अधिकतम प्रतिरोध देखा जाए तो कितना हो सकता है, इन सबको जोड़ लेना। ठीक है, तो जितना जोड़ोगे, जैसे 100, 500, 1000, 200, इन सबको जोड़ा जाएगा तो इसका कुल प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।